नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं सितंबर से दिसंबर के बीच में पंचायत चुनाव के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इसी बीच अब पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक और बड़ी जानकारी साझा की है, जिसके तहत चुनाव में हिस्सा लेने वाली महिला उम्मीदवारों के मायके जाने की जानकारी सामने आई है। आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ये ऐसी महिलाएं हैं जो पंचायत चुनाव का हिस्सा बनना चाहती हैं और शादीशुदा हैं। ऐसे में उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने पिता के घर जाना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि अगर महिला विवाहित है तो उसके जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से भी मान्य हो सकते थे, तो फिर मायके का चक्कर क्यों? तो हम आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षित किए गए सीटों पर चुनाव लड़ने वाली महिलाओं को पति के बजाय पिता के नाम के साथ जाति प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस बाबत आयोग ने साफ कर दिया है कि पति के नाम के साथ बनाया गया जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इस फैसले के साथ ही चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की महिला प्रत्याशियों को समस्या हो गई है। वो जाति प्रमाण पत्र के लिए अपने मायके जाने और वहां के अंचल कार्यालय में चक्कर लगाने पर मजबूर हो गई हैं। साल 2016 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान मुखिया, सरपंच, बीडीसी, जिला पार्षद, पंच और वार्ड पद से अपना भाग्य आजमा रही आरक्षित कोटि की महिला प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य किया गया था। साल 2016 की ही आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप ही इस साल भी पंचायत चुनाव होने के कारण महिला प्रत्याशियों को पिता के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र नामांकन के समय दाखिल करना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, जिसके तहत बिहार में प्रत्याशियों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिसके तहत आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव करवाने से लेकर मतगणना तक सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ज्ञात हो इस बार पंचायत चुनाव में 11 चरणों में वोट डाले जाएंगे। कैबिनेट ने पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया है। 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, इसके बाद 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। कमोबेश राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि परामर्शी समिति के गठन के समयावधि के समापन से पहले पंचायत चुनाव का आयोजन करवा लिया जाए। हालांकि चुनाव का आयोजन बहुत पहले ही हो जाता, मगर पहले ईवीएम के कारण फंसे मामले और फिर कोरोना की दूसरी लहर के कारण पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब जाकर कैबिनेट की बैठक में हुई घोषणा के बाद उम्मीद यही जागी है कि चुनाव का आयोजन समय पर हो जाएगा। हालांकि इन सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग के सामने कोरोना की तीसरी लहर और बिहार में उत्पन्न बाढ़ की परिस्थिति के रूप में दो बड़ी चुनौती मौजूद है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि चुनाव आयोग इन सभी चुनौतियों को पार कर चुनाव का आयोजन समय पर करवा पाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।